थोड़ा सा तो फाइनली हमारे पास चूजे निकल रहे देखो निकला थोड़ा सा तेरे को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं ये देखो यहाँ पर निकल रहा है वही मजा आ गया मजा आ गया और अंडों पे क्रॉक्स भी आ रहे मैं इसको थोड़ा सा अभी यहाँ पर हाथ रख रहा हूँ क्योंकि उसको पता चले कि मैं ही हूँ उसका दोस्त हूँ मैं उसकी चूज़ों की देखभाल करने वाला उसको खिलाने वाला पिलाने वाला उसको अच्छे से अच्छे उसकी चूज़ों की अच्छे से देखभाल करने वाला कहकर क्योंकि उसको दोस्त बना लेना बहुत ज़रूरी है यार डायरेक्ट आकर हम उधर इधर करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी ये क्या है खुड़क छोड़ दी क्या ये मम्मा क्या हुआ तेरे अंडों पे नहीं बैठी है तू ओ भाई ऐसे कैसे चलेगा ये कहना अंदर आ जाओ ये वाली अंडों पे नहीं बैठी इधर बैठ जा रही है चलो उसको पकड़ के बैठाना पड़ेगा दोस्त अभी अंडे ठंडे हो जाएंगे अंडे ठंडे हो जाए तो उसमें से चूजे नहीं निकलने के चांसेस है बाकी के सब एकदम परफेक्ट तरीके से बैठे पर देखो मम्मा आपकी चूजे निकल रहे क्या ये वाली भी मस्त तरीके से बैठी आपके अंडे बताओ मम्मा आपके शायद एक ही मुर्गी ये सुबह ऐसी है क्या, क्या सुबह तो से आना है इसमें यो एक दो बार आगे चेक कर लेना है इसमें अगर से बाहर है नहीं ये अंडों पे की है वो अंडों वाली मुर्गी है अंडों की माँ आपके अंडे हाँ आपके अंडे भी अच्छे हैं उसको पकड़ के बिठा देंगे आलू अरे ये वही उधर भाग गया अरे यार खुड़कु दी बैठी दादी छोड़ दिए यार और ये मुर्गी भी नहीं है अगर से हमको पकड़ कर बिठाने के लिए भाई मिल जा यार मिल जा सता मत मिल जा सदाम गुडले वे थोड़ा कल मे भी मेरे ख्याल से एक मुर्गी उठ जाएगी इसके साथ और एक मुर्गी उठी तो उसको ही बिठा देंगे मेरे भाई वो वाली खुड़क छोड़ दिए देखो किस तरह से भाग रही है देखते हैं हम कि उसको बिठाकर उसके ऊपर की रहेगी या नहीं रहेगी बैठ रही या नहीं बैठ रही

अल्लाह भाई मिल गई मिल गई यार पकड़ लो जगह ना ना इसको उस अंडों पे बिठा दो चलो अभी अंडों पे बिठाएंगे हो ऊपर से टोकरा बंद कर दिए ठीक है थीके? चलो इस तरह से टोकरा बंद कर दिए कल ओपन करेंगे तो देखेंगे उसकी हालचाल क्या है ले पकी ये पुदीना का लेप लगेगा ये पत्तियां दोस्तों ये वीडियो क्लिप मैं नेक्स्ट डे 11:00 शूट कर रहा हूं देखो हमारी ये वाली कालू नंबर वन कितने चूजे निकालिए मस्त चूजे निकालिए बट अभी भी हम ये मुर्गी को उठाने वाले नहीं हैं मेरे भाई क्योंकि हाथ से मैं इसके पेट के नीचे अभी टच करूँगा टच कर कर देखूँगा कितने अंडे बचाइए ये उससे पहले मैं ये थोड़ा सा प्यार गिरता हूँ ये मुर्गी से थोड़ा सा सहलाता हूँ क्योंकि इसको पता चले भाई हमें उसका दोस्त हूँ उसका बेस्ट फ्रेंड तो अभी थोड़ा सा उठा रहा हूँ भाई वाह माशाल्लाह क्या चूज़े निकले अभी मैं फौरन क्या करता हूँ ये अंडों के छिलके जो है इनको बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि जो अंडा अंडे में जो चूज़ा निकलने वाला है ना वो अंडे को ये वाले छिलके डिस्टर्ब कर देते उस वो अंडे के अंदर जाकर फंस जाते भाई इसको पैर है क्या तो भी ये छिलके को जाकर फंस जाने के लिए कह सकते हो बट नहीं मेरे भाई मुर्गी घुमाते रहती है ना अंडों को तो छिलके जाकर फंस जाते रहते तो यहाँ पर देखो ये अंडे में से भी चूसा निकलना बाकी है इसीलिए हम ये मुर्गी को अभी नहीं उठाएंगे। सिर्फ़ इस तरह से उसके पेट के नीचे हाथ डालकर हम जो छिलके अंडो चू चूजे निकले तो छिलके हैं वो छिलकों को बाहर ले लेता हूँ ले लेकर देख रहा हूँ कितने अंडे भाई सिर्फ दो ही अंडे बचाइए ये देखो गोरे दो और काले लाल भाई कितना कितने कितने प्यारे भाई ब्लैक एंड वाइट में भी एक वाला है भाई मज़ा आ गया कितने सारे यार मस्त निकाली बट दो अंडे बच गए हैं दो में से एक को क्रॉक है और ये और एक, एक को नहीं है तो दो में से एक चूजा निकलेगा या दोनों के दो अंडों में से चूजे निकलेंगे देखेंगे और पूरा टोटल कितने चूजे निकालिए ये देख लेते हैं छिलके तो काफ़ी सारे दिख रहे हैं भाई मज़ा आ रहा है क्या मस्त है तो अभी ये हमारी कालू नंबर टू के पास आए हम ये भी मस्त तरीके से चूजे निकालिए भाई एक ही मुर्गी बोल के मस्त समझो क्योंकि जो वो बाहर जो दूसरे पहले वाली देखी हो अभी तक वो एक सीमेंट के उसमें थी बॉक्स में यानी राउंड सीमेंट का जो क्या बोलते यार उसको क्या बोलते कि मुझे भी नहीं मालूम सीमेंट का जो कटोरी के जैसा था ना गम्पे की तरह उसमें बिठाए थे इसे हम एक टोकरे में बिठाए तो देखो ये थोड़ा कम दिख रहे चूजे इसके भाई एक दो तीन भाई इसके गोरे गोरे चूसे निकले यार मज़ा आएगा अभी मज़ा आएगा देखो कितने मस्त है अंडे हाँ भाई वो सारे अंडे बचाइए मम्मा तू तो कल तो लगी अब सारे चूजे निकाल लेना है नहीं तो आज शाम तक निकालेगी देखेंगे शाम में फिर एक बार आपको मिलाता हूँ ये मुर्गियों से कितने चूजे उस, उसको तो दो अंडे बचे थे इसको बहुत सारे अंडे बचे हैं देखेंगे शाम तक कितने अंडे निकाल कितने चूजे निकालने वाली है फिर ये भाई ये देखो नन्ना सा चूजा कितना मस्त प्यारा सा देख रहा है और जल्दी से मुझे बताओ कि ये मुर्गी को रखें चूजे सारे या वो पहली वाली मुर्गी को रखे तो सभी अभी मैं इवनिंग के सिक्स ओ क्लॉक फार्म के पास आ गया हूँ हमारी ये लाल वाली मुर्गी के नीचे भी चूजे दिख रहे हैं मेरे भाई मॉर्निंग नहीं दिखे थे तो क्या कर रहा हूँ मैं धीरे से एक एक चूजे को पकड़ कर टोकरे में ले लूँगा यहाँ पर देखिए प्यारा सा हमारा कालू एक आ गया है और दूसरे देखते कितने निकालिए बहुत सारे निकालना है मेरे भाई मे भी कल मॉर्निंग तक बहुत सारे निकालेंगे पर अभी बहुत सारे थोड़े बड़े हो गए चूजे निकल गए हैं तो ये भूखे नहीं हुए जैसा हम इनको निकाल ले रहे दो हो गए मुर्गी को पूरा नहीं उठाना है मेरे भाई धीरे से इस तरह से ले लेना है आपको यहाँ पर देखो तीन कितने डाला हूँ तीन या चार चार डाला हूँ टोकरे में चार और ये एक पाँच और ये एक छः तो छः चूज़े हमें दिख रहे हैं और भी कुछ निकालिए क्या छः मॉर्निंग एक भी नहीं दिखा था मेरे भाई और निकलेंगे बहुत सारे थोड़ा टाइम है इंतज़ार करते हैं हम ये जो छिलके हैं इनके इनको ले लेंगे क्योंकि अंडों के बीच में फंस जाएंगे जा कर ये तो भाई और कितने छः निकालिए और भी बहुत सारे अंडे हैं और पाँच छः अंडे एक सात और एक एक वाइट वाला जो दिख रहा है हमें सात टोटल सेवन हो गए और ये छिलके निकाल दिया हूँ मैं निकाल कर देखते में भी पांच अंडे बचाइए लगता है ओ यार और भी है सात वो ये एक आठ आठ भाई नहीं निकाली नहीं निकाली बोलते ही अच्छे सारे निकालिए वो बहुत आठ नॉट बैड क्योंकि बहुत सारे जगह पे तीन चार एक दो निकलते रहते तो अपने पास अच्छे निकले आठ निकालिए और भी निकालेगी मेरे भाई क्योंकि मॉर्निंग कुछ भी नहीं निकाली थी इवनिंग से ही छिलरी जैसा है चूज़ों को यहाँ पर देखो आठ चूजे एकदम परफेक्ट माशाल्लाह चलो ये चूज़ों को ले लेते हैं ले लेकर हमारी कालू के पास चलते हैं ये मुर्गी को इसी तरह से रखते हैं देखो कितने हैं आ, आठ है टोटल हाँ आठ है चलो इसको ले ले रहे हैं हम यहाँ पर आते हैं ये वाली उठ गई है मेरे भाई ये कल से निकाल रही है कल इवनिंग से निकाल रही है ये चूज़े तो हम क्या करते हैं अभी इसको प्यारे से सारे चूज़ों को कल इवनिंग से निकाल रही थी मेरे भाई लाल का लाल वाली आज मॉर्निंग से निकाल रही है ये कल इवनिंग से निकाल रही थी इसीलिए ज्यादा चूजे निकले इसके देखो इतने सारे चूजे बहुत सारे चूजे भाई कितने चूजे हो गए टोटल मैं फिर से एक बार गिनता हूँ इनको टोटल दस चूज़े निकालिए मेरे भाई आप वीडियो के थोड़ा पीछे जाकर फिर गिन सकते हो आप दस निकालिए और भी निकल रहा है मेरे भाई यहाँ पर देखो क्रॉक्स आ गए तो पाँच अंडे हमारे पास है ये पाँच अंडों को क्या करते हैं हम वो वाली लाल कलर की मुर्गी थी ना अभी तक उसके नीचे डाल देते हैं क्योंकि ये वाली हमारी ये ब्लैक की दो बार चूज़ें निकाली है। पहले निकाली थी अभी दूसरी बार है इसीलिए लिए ये वाले सारे चूज़ें इसको ही देंगे हम ब्लैक ही को क्योंकि अभी वो वाली चूज़ें लाल वाली है ना ये वाली फ़र्स्ट टाइम निकाली है मेरे भाई इसीलिए जब अगली बार निकालेगी ये चूज़ें इसको देंगे क्योंकि एक मुर्गी को दो बार बिठाना पड़ता है हमें क्योंकि अच्छे से खुड़क बैठेंगे पहली बार अगर से नई मुर्गी को लाकर बिठा देना हम इतना अच्छा खुल्ला इतना अच्छा अंडों को नहीं सीखेंगे उठ उठकर भाग जाते रहते चलिए ये टोकरे के नीचे की मुरी कल शाम से निकाल रही है मेरे भाई क्योंकि कल शाम में ही दिखी दिखे थे उसके क्रॉक्स यानी चूज़ा निकलती सो जो आप वीडियो के स्टार्टिंग में देखिए तो चलो अभी हम इसको उठा लेते हैं कितने चूजे निकालिए ये भी देखते हैं ओ भाई काफ़ी चूजे निकाले जैसा लग रही है ये कल इवनिंग से निकाल रही है मेरे भाई जब निकाल रही है ये जो जो छिलके निकल रहे थे वो निकलते से चूज़ों के छिलके हम निकाल कर बाजू में डाल दिए मेरे भाई ये आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही नज़र आए तो अभी क्या करेंगे हम पूरी तरह से कैसे ये मुर्गी को उठा कर देखेंगे कि टोटल कितने चूज़े निकले गए कर थोड़ा सा मैं कैमरा को पास लाता हूँ चलो अभी किस तरह से देख रहे यार ये मुंडिया बाहर निकाल निकाल कर वन पंचूत चलो उठाते ओ भाई इतने चा, सारे चूजे भाई मज़ा आ गया देखो एक भी अंडा नहीं बचाई यार ये सारे के सारे चूज़े निकालिए भाई खतरनाक मज़ा आ गया है तो देखते कितने चूजे ये मुर्गी को भी हम फिर से अंडे पे बिठा देंगे मेरे भाई ने तो दूसरे अंडों पे बिठा देंगे क्योंकि एक मुर्गी सता रही है हमारे पास अभी इनको सारों को गिनते हैं गिनकर डालते हैं क्योंकि ये पहली बार निकाल रही है दोस्त चूजे और एक बार निकाले के बाद इसको चूज़े देंगे यहाँ पर देखो पांच चूज़े मैं हाथ में ले लिया हूँ पांच और ये वाले पांच ठीक है और यहाँ पर तीन है थर्टीन आउट ऑफ थर्टीन चूज चिक्स को निकालिए मेरे भाई ये एकदम परफेक्ट एकदम मस्त माशाल्लाह। चलो इसको भी हम ये टोकरा उठाकर ये वाली मुर्गी को ही हमारी ब्लैकी को मिला देते मेरे भाई टोटल देखो यहाँ पर इसको मिला देते बहुत मज़ा आएगा टोटल कितने चूज़े हैं ये भी गिनते एक बार हम हाँ। बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं भाई चूज़ों को कैसे मिलाए दो मुर्गियों के चूज़ों को कैसे मिलाए जब चूज़े है, जब जभी जभी निकले हुए रहते हैं ना मेरे भाई मुर्गियाँ कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि कौन सा चूज़ा हमारा है अगर जब निकल निकलते तभी अगर से एक दो दिन हो जाए तीन चार दिन हो जाए तो तब तो पहचान लेते हैं मेरे भाई इसीलिए पहले ही आप चूज़ों को मिलाइए बाद में यानी चूज़ों की उम्र बढ़ते जाने को मिलाना थोड़ा रिस्क रहता है चलिए अभी ये रहने के लिए इनका घर का इंतज़ाम कर देते हैं हम ये वाला पोटिशन हमारे पास मस्त है बढ़िया है तो हम क्या कर रहे हैं ये वाली मुर्गी को यहाँ पर लाल ये इसका दाना का और पानी का इंतजाम करते हैं आप अभी से आपको ये भी सिखाएंगे इनको डेली क्या खिला रहे हैं क्या पिला रहे कैसे संभाल रहे चूज़ों को क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई चूज़ों को बढ़ा कैसे कर रहे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है तो और एक भी रिसर्च करेंगे इसके ऊपर पाँच चार किलो दाना दे देते हैं इनको चार किलो दाना कितने दिन खाएंगे ये भी देखते एक और दो थ्री और ये फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टी बता रहे थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन टोटल थर्टी वन सिक्स आए तो अभी इनका फीड और मेडिसिन मैनेजमेंट कर देखियो ना मेरे भाई टोटली थर्टी वन चूज़े निकाले हैं हमारे तीन मुर्गियाँ मिलकर और भी चूज़े निकलेंगे कल क्योंकि हमारे रेड कलर की मुर्गी के नीचे भी हम और अंडे डाले हैं ना जो बच गए सो वो कल मॉर्निंग तक निकल जाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में वो नज़र आएगा कि कितने चूजे कल निकले और भी मतलब गंदे अंडों में से कितने हैं क्योंकि बहुत सारे भाई इस तरह से चूजे ले लेकर भाई वो गंदे अंडे एक कहकर फेंक देते हैं ना तो उसमें से कितने अंडे निकल चूज़े निकलते हैं ये देखेंगे हम कल के वीडियो में अभी इनको दाना पानी दे देते हैं अभी तो नाइट का टाइम लगभग सात बज रहे हैं अभी तो हम क्या करते हैं सिर्फ दाना दे देते हैं अभी तो पानी तो नहीं पीएंगे मॉर्निंग पर पानी दे देते चलो हम और एक रिसर्च करते हैं देखो मेरे भाई उसको खाने के लिए इंतज़ाम कर देते हैं उनके बर्तन ला लिए हम जिसे हम फीडर्स करते हैं उसके साथ साथ ड्रिंकर्स भी ला लिए पानी के तो अभी मैं इस तरह से फ़िट कर दे रहा हूँ इसको जो भी जो भाई को नहीं फिट करने है पता है तो देख लीजिए एक बार किस तरह से मैं फ़िट कर रहा हूँ तो यहाँ पर इस तरह से फ़िट कर कर हम क्या करेंगे इसमें स्टार्टर फिट दे दें तो सर अभी चार किलो स्टार्टर फीड का वेट चेक करते हैं हम चार किलो स्टार्टर फीड कितने दिन खाएंगे ये चूज़े अभी निकली सो चूज़े कितने दिन खाएंगे ये देखते हैं क्योंकि एक चूज़े के ऊपर हमें खर्चा कितना लग रहा है उसको बड़ा में जानने के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्त ये जानना बहुत ज़रूरी है तो अभी हम चार किलो स्टार्टर फीड माप कर एग्जैक्ट चलो चार किलो हो गया है एक और में डाल पैक कर कर रखते हैं डेली इसमें का ही दाना स्टार्टर फीड ही ये चूज़ों को खिलाते हैं चलिए अभी तक हम स्टार्टर फिट वहाँ पे है ना यही कवर में से अभी यहाँ पर थोड़ा डाल दे रहे हैं हम डाल कर मुर्गी के पास लेके जाकर रख देंगे ये वाले दो बर्तन क्योंकि छोटे चूजे है ना मेरे भाई इसीलिए इस तरह का छोटा बर्तन डे वन में देना बहुत जरूरी रहता है ताकि वो डब्बे में चढ़ कर नहीं खाएंगे वो छोटे छोटे रहते हैं औरिजिनल देसी चूजे इसी थोड़ा सा इनको ज़्यादा केयर केयर अच्छे से करना बहुत ज़रूरी रहता है तो अभी तो ऑलमोस्ट नाइट हो गई है मेरे भाई तो कल मॉर्निंग पे इनको पानी में क्या देंगे ये दिखाएंगे और कल कितने चूजे निकलेंगे हमारे जो लाल मुर्गी के नीचे गंदे अंडे डाले थे ना वो भी आप सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए भाई है तो फ्री में रहेगा एक रुपया भी खर्चा नहीं होगा सब्सक्राइब के लिए बस अपने वीडियोस आपको आते जाएंगे देखते जाएंगे।